सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द टेक्नो श्री चैनल और मैं श्रीराम पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए टेक्नो न्यूज में। तो गाइस आज मेरे पास भैया बहुत सारी आ चुकी है टेक्नो न्यूज, तो फटाक से थोड़ा सा प्रेशर लगा के दबा दीजिए उस सब्सक्राइब बटन को और उस लाइक बटन को अगर आप नए हैं तो, और फटाक से चलिए शुरू करते हैं। बट गाइस उससे पहले आज सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट कि आप Amazon के थ्रू आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को अब तक अगर नहीं देखा है तो जाइए और फटाक से देख लीजिए, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर सॉरी इधर होगा एक कार्ड आएगा, तो गाइस जाइए उस कार्ड को दबा कर देख लीजिए उस वीडियो को। सो गाइस अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, फटाक से शुरू कर दे, तो फटाक से वीडियो को लाइक करिए, लेट्स गो। तो भैया पहली खबर आ रही है एयरटेल के वी फाइबर की तरफ से, और अगर आपके घर पे लगा हुआ है एक एयरटेल का वी फाइबर तो हो जाइए खुश क्योंकि एयरटेल आपके लिए वापस से लेके आ चुका है एयरटेल थैंक्स प्रोग्राम। अब गाइस अगर मैं बात करूं तो इस प्रोग्राम के तहत एयरटेल वी फाइबर के कस्टमर्स जिनके पास 1099 रुपीस वाला प्लान अभी एक्टिव है उन्हें मिलेगा 3 महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और 1 साल का अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा Z5 और भी गाइस बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जैसे प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स, Z5 और भी गाइस जितने भी हैं सब आपको मिल जाएंगे फ्री में। गाइस कुछ महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एयरटेल दे रहा है एज अ थैंक यू प्रोग्राम। बट गाइस मुझे क्या लगता है कि ये हो सकता है शायद जियो के कारण एयरटेल ऐसा कर रहा हो ताकि ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए, जियो गीगा फाइबर बहुत ही कम लोग लगवाएं और गाइस एयरटेल के कस्टमर्स बढ़ जाएं, बिकॉज जियो गीगा फाइबर की ऑफिशियल रोल आउट डेट बहुत जल्दी होने वाली है, बिकॉज जियो गीगा फाइबर होगा रोल एनुअल जनरल मीटिंग के जियो वाले एनुअल जनरल मीटिंग में। अगर आपने अब तक जियो गीगा फाइबर का मेरा वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर एक कार्ड देता हूँ, जाइए और देख लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो भैया एयरटेल की तरह ही BSNL भी बिल्कुल एक नया प्लान लेकर आ चुका है और गाइस इस नए प्लान की अगर मैं बात करती हूँ, नए प्लान है 1345 रुपए का। इस प्लान में क्या होगा, आपको प्रतिदिन 1.5 GB मिलेगा 1 साल तक 365 दिनों तक, और गाइस जब आपका वो 1.5 GB खत्म हो जाएगा तो आपके पास एक रिजर्व 10 GB का एक कोटा होगा जिसमें से डेटा कटना चालू हो जाएगा। अब BSNL बता रहा है कि ये प्लान उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा डेटा कंजम्पशन करते हैं। सो गाइस दैट्स गुड, अगर आपके पास एक BSNL सिम है और अगर आपको पसंद है तो जाइए और ऑप्ट कर लीजिए इस प्लान के लिए। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, चलिए चलते हैं। तो भैया अगली खबर आ रही है फेसबुक की तरफ से और गाइस फेसबुक अपना एक नया फीचर कर रहा है टेस्ट एंड्रॉइड और iOS दोनों में। अब गाइस अगर मैं इस फीचर की बात करूं तो ये फीचर क्या करेगा कि अभी कैसा है फेसबुक पे कुछ भी हो रहा है तो आपको फटाक से टड़ंग करके एक नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन गाइस ये कभी कभी बहुत ज्यादा अनॉइंग भी हो जाता है। तो अब फेसबुक क्या कर रहा है कि इनको कर रहा है कंट्रोल, अब आपको वही नोटिफिकेशन दिए जाएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे किसी ने लाइक किया, कमेंट किया, पोस्ट किया तो उसके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, सिर्फ आपके पोस्ट पे कोई कमेंट आ रहा है तो उसके आएंगे, आपने कुछ पोस्ट किया है उसके ऊपर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसके आएंगे। सो गाइस आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो भैया अगली खबर आ रही है गूगल की तरफ से और गाइस गूगल ने एक अपना नया फीचर रोल करना स्टार्ट कर दिया है और गाइस अगर मैं इस फीचर की बात करूं तो ये फीचर है डिलीट फीचर, यानी कि लोकेशन और एक्टिविटीज को डिलीट करने के लिए फीचर है। अभी कैसा है गाइस कि अगर आप कुछ भी एक्सेस करें अपने फोन में, जैसे अमेज़न पे आपने कुछ एक चीज सर्च कर ली तो अगर आप किसी दूसरे ऐप में भी अगर रन कर रहे हैं, कोई वेबसाइट अगर आप रन कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप एड्स देखोगे तो एड्स में भी वही चीजें आपको दिखाई जाती हैं। ये कैसे होता है, तो गाइस गूगल क्या करता है आपके डेटा को मॉनिटर करता है, आपके डेटा को एनालाइज करता है AI टेक्नोलॉजी के थ्रू और उसी टाइप की आपको एड्स वगैरह दिखाता है ताकि आप उस पर क्लिक करें और कंपनी का भी कुछ फायदा हो ही जाए। तो गाइस लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, किसे पसंद होगा कि कोई आपके एक्टिविटी मॉनिटर करे, तो अब गाइस गूगल ने एक डिलीट फीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया है जो आपकी गूगल ऐप एक्टिविटी में रहेगा। आप वहां पे जाके आप सिलेक्ट कर सकती है आपका डेटा कितने टाइम तक गूगल के पास रहना चाहिए, 1 घंटा, 1 दिन या 3 महीने, कितना टाइम रहना चाहिए, जाके अब आप चूज कर लीजिए। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो भैया अगर मैं हमारी अगली खबर की बात करूं तो अगली खबर आ रही है MWC शंघाई से सीधा हमारे पास, तो ये खबर है लेनोवो की। तो गाइस लेनोवो ने MWC शंघाई में दुनिया का सबसे पहला 5G लैपटॉप कर दिया है इंट्रोड्यूस। अब गाइस अगर मैं इस 5G लैपटॉप की बात करूं तो अब तक इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह कुछ भी लेनोवो ने नहीं बताया, लेकिन कुछ कुछ दिखने में योगा पैड की तरह है,
इसके अलावा गाइस इसमें स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है पीसीज के लिए 8cx लगा हुआ है, और गाइस इसके साथ साथ इसमें है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X55 का मॉडम जो एक 5G सपोर्टेड मॉडम है। तो गाइस एक 5G लैपटॉप भी आ ही चुका है, 5G टेक्नोलॉजी भी आ जाए तो मजा ही आ जाए। चले चलो मैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो भैया यूएस बैन का असर, यानी कि जो हुआवे पे यूएस बैन लगा था उसका असर इंडिया पे भी हो रहा है, और गाइस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि अब इंडिया अपना खुद का मैसेजिंग ऐप, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन के लिए कुछ और एक ऐप, और गाइस स्टोरेज के लिए डेटा ऐप वगैरह आप खुद डिजाइन कर रही है। और गाइस ऐसा क्यों, तो गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल ने कहा कि जैसे यूएस के ऊपर हुआ, आई मीन हुआवे के ऊपर हुआ यूएस बैन, जैसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने हुआवे को सू कर दिया, बैन करवा दिया, तो गाइस हुआ इंडिया क्या कर रहा है, तो अब इंडिया अपना खुद का व्हाट्सएप बनाने वाला है। खुद का व्हाट्सएप मतलब एक ऐसा ही कम्युनिकेशन ऐप, वो मीन्स एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या कहा कि ये जरूरी है क्योंकि हमारे सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो यूएस के इकोनॉमिक्स पे चल रहे हैं, यूएस के जो कंपनीज है वो चला रही है हमारी सर्विसेज। जैसे हम चैटिंग वगैरह कर रहे हैं तो हम यूएस के ऐप पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप बहुत फेमस भी है। और गाइस जो ये नया ऐप होगा ये होगा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, ताकि जो डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटाज हैं वो उन्हीं के पास रहें। और गाइस इसके अलावा ये जो नए ऐप्स होंगे ये पूरी तरीके से सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होंगे, जनता के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा पता नहीं। तो उन्होंने बताया कि अब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है एक व्हाट्सएप बनाने के लिए, व्हाट्सएप सरकारी मीन्स उन्होंने बस ऐसे एक टर्म दे दिया, नाम नहीं है ये। तो अब गाइस देखते क्या होता है आगे। वैसे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया का अपना खुद का व्हाट्सएप देखने के लिए, कैसा होगा देखा जाएगा। चलिए चलते हैं लास्ट खबर की तरफ। तो गाइस दुनिया का सबसे पहला अंडर डिस्प्ले कैमरे वाला फोन ऑफिशियली अनवेल किया जा चुका है MWC शंघाई में, और ये किया गया है ओप्पो के जरिए। ओप्पो ने अपना फर्स्ट अंडर डिस्प्ले कैमरे वाला फोन को कर दिया है लॉन्च। लॉन्च मतलब शोकेस किया उसे, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करके लॉन्च किया जाएगा। अब गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि मींस जो पैनल है, डिस्प्ले पैनल है, ये बहुत ही ज्यादा थिन है और कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो फोटो के लिए जो लाइट आ रही है वो सीधा रिफ्लेक्ट करके जा रही है सेंसर्स पे, और सेंसर इसे डिटेक्ट करके फोटो खींच रहा है। अब गाइस बहुत ही अच्छा फीचर है, और मैं सोच रहा हूँ ऐसा फोन कब यूज करने मिलेगा भैया, जिसमें फुल व्यू डिस्प्ले के लिए उन्होंने कैमरे को भैया एकदम हाइड कर दिया है। अब तक वैसे इसका कोई ड्रॉबैक पता नहीं चला है, वैसे क्या हो सकता है इसका ड्रॉबैक समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी खूबी से इसे बनाया गया है, मजा आ गया। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी अंडर डिस्प्ले कैमरा वाली, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और गाइस अगर आपने अब तक मेरा प्रीवियस वीडियो जो आज मैंने अपलोड किया था अगर वो नहीं देखा है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम Amazon, तो जाइए और देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आइकन के बटन दिया हो उसमें भी है। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।